है। पीटीआई कारकुन हाईकोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर जमा हो गए। पीटीआई वर्कर्स की हाईकोर्ट गेट पर नारेबाजी, कैदी वैन इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा दी गई है। आपको बताते चले, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। बता रहे हैं आपको कि पीटीआई कारकुनों ने मीडिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी धावा बोल दिया है। इस्लामाबाद के खिलाफ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमरीन अली से, नुमाइंदा न्यूज़ वन। अमरीन अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। दफाल हजफ करने के मुतालिक केस है, दूसरी दरख्वास्त इमरान खान ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दे रखी है। जी ठीक है अमरीन, हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, पीटीआई कारकुनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धावा बोल दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई थी, जबकि इस वक्त अहम तरीन खबर है तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तोशाखाना केस से मुतालिक खबर है, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में इमरान खान पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी धावा बोल दिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तोशाखाना केस के हवाले से खबर है, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है अमरीन अली ने। अमरीन, अपडेट कीजिएगा, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख के लिए भी ऐलान किया था, लेकिन इस वक्त खबर है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। पीटीआई कारकुनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी धावा बोल दिया और इस वक्त खबर है कि तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर यह मनाज़र मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। यह अब तक की अहम डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद में इमरान खान पेश हुए और तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि तोशाखाना केस के हवाले से खबर है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का भी केस सामने आया है। इस्लामाबाद में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है अमरीन अली ने। अमरीन, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई के केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूजशुदा फैसला सुना दिया। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 7 मार्च को केस की जमात दोबारा होगी। जी चले अमरीन अली, बताइएगा इस वक्त इमरान खान कहाँ हैं? हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में ये अहम कार्रवाई हुई है तोशाखाना केस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने फैसला सुना दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। पीटीआई कारकुनों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी धावा बोला था और इस वक्त की अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये समाअत हुई है। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तोशाखाना केस से मुतालिक खबर है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया है। तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, तोशाखाना केस से मुतालिक खबर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस, अमरीन अली ने हमें ज्वाइन किया है। अमरीन, बताइएगा इस वक्त इमरान खान इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? देखिए जी, इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, किसी भी फर्ज को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। जबकि हाईकोर्ट के अंदरूनी और बैरूनी अतराफ की बात करें तो तमाम तर जो रास्ते हैं वो सील कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दो दरख्वास्तों पर एतराजात आयद कर रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इमरान खान की एक दरख्वास्त मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात हजब करने से मुतल्लिक है, जबकि दूसरी दरख्वास्त इमरान खान ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दायर कर रखी है। जी ठीक है अमरीन, हमारे साथ लाइन पर रहेगा, आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे। तोशाखाना केस से मुतालिक, इलेक्शन कमीशन के जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 7 मार्च को केस की दोबारा समाअत होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। आपको बताते चले तोशाखाना केस के हवाले से तफसीलात हैं, एक बार फिर से अमरीन अली की जानिब रुख करेंगे। अमरीन अली, बताइएगा तोशाखाना केस से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। बिल्कुल जी, तोशाखाना केस के हवाले से बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का ये केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने फैसला महफूज किया था, जो कि सुना दिया गया है। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि अदालत ने 7 मार्च को इमरान खान को दोबारा से तलब कर लिया है और 7 मार्च तक केस की समाअत भी मुलतवी कर दी है। तहम इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी तोशाखाना केस में जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है अमरीन, हमारे साथ रहिएगा। तोशाखाना केस के हवाले से अपडेट है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई। अमरीन, बताइएगा कि क्या ये फैसला अदालत का इमरान खान के सामने मौजूदगी में सुनाया गया है? देखिए जी, जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया उस वक्त इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए थे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने बायोमेट्रिक की तस्दीक करानी थी। इससे कबल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे जब केस की समाअत एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जारी थी। उन्होंने पहले ही माजरत कर ली थी कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नहीं पेश हो सकते सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर। ताहम जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे, उनकी गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया, जबकि इस वक्त भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही मौजूद हैं। जी अमरीन, बताइएगा कि अदालत की जानिब से तो नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, अब कानूनी प्रोसीजर क्या होगा आगे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बुरी भी बहाल कहना कबल अज वक्त होगा। कानूनी टीम की अगर बात करें इमरान खान की तो उनकी जानिब भी मशावरत का सिलसिला जारी है। ताहम अगर बात करें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तो वहां पर इमरान खान की जमानतें मंजूर की गई, तो मुमकिन है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए। ताहम जो कानूनी टीम की जानिब से मशावरत सामने आई है वो यही है कि वो इस फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं। जी ठीक है, इमरान खान फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं। अमरीन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। तोशाखाना केस से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई का केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। अमरीन, इस तोशाखाना केस के हवाले से डिटेल्स